लगातार दो दिनों से उमस और गर्मी की मार झेल रहे लोगों को शनिवार की सुबह हुई झमाझम बारिश से राहत मिली है, लेकिन बारिश के कारण कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। शनिवार की सुबह हुई बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल द्वारा आपदा विभाग को मिली जानकारी के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक यह बारिश होने की संभावना बनी रहेगी तथा 19 जुलाई को भारी बारिश की होने की संभावना जताई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, बदलाव आया है क्या कहेंगे और आगे क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा आपदा विभाग को जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार अभी आने वाले कुछ दिनों तक ये वर्षा बनी रहेगी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 19 तारीख को भारी वर्षा होने की भी चेतावनी उन्होंने दी हुई है, तो अभी उम्मीद है कि कुछ दिनों तक ये वर्षा का सिलसिला बना रहेगा।